हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो में अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एग्जाम के लिए। तो उसका यह है दूसरा एक्सरसाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, मीन्स वर्गीकी का क्लासिफिकेशन का किंगडम मीन्स उसका फादर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लीनियस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट क्या करते हैं अरस्तु या स्पेटिक लगा देते हैं। कौन है? वर्गीकी या क्लासिफिकेशन के फादर किसे कहा जाता है? लीनियस को। फिर है द्विनाम पद्धति। द्विनाम मीन्स जैसे ह्यूमन का कैप इसका होमोसेपियंस ऐसा कहा जाता है। तो वो द्वितीय पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किनका था? तो वो भी था लीनियस का ही, वो भी था लीनियस का ही देन है। फिर है सिस्टेमा नेचुरे, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? वो भी लीनियस की। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, सिस्टिमा नेचुरे, ये किसका है? लीनियस का। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों को रखा जाता है जिसमें फूल होता है, उस टाइप के पौधे को किस में रखा जाता है? फेनेडोगेम्स, फेनेडोगेम्स में। नेक्स्ट है अपुष्पी पादपों को रखा जाता है जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, उस टाइप के पौधे को किस में रखा जाता है? रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स में, याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधारणीय इकाई क्या है, मीन्स क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसका मेन इकाई क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्या होता है? स्पेसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको नहीं भूलिएगा, स्पेसीज। लोग क्या करते हैं? जीन्स में टिक लगाते हैं, ये जीन्स में टिक लगा देते हैं, लेकिन क्या होगा? स्पेसीज। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, किस टाइप के पौधे होते हैं? नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो मीन्स होता है पानी, तो हाइड्रोफाइट्स कैसा होगा? जलीय पौधे। कैसा होगा? जलीय पौधे। और अगर जलीय एनिमल की बात करें तो उसके लिए यूज करते हैं हम एक्वेटिक, एनिमल, ठीक है ना? तो याद रखिएगा उसको भी। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है कि पौधे के नामों के दो शब्दों में लिखना, जो बताता है वो क्या बताता है? एक तो हमारा बताता है वंश और एक बताता है जाति। एक क्या बताता है? वंश, और एक बताता है जाति। जैसे कि पेंथेरा टिग्रिस, होमोसेपियंस, ये सब क्या है? सब दो नाम से बना हुआ, पाबोक्रिस्टेटस। तो एक क्या बताता है? वंश, और दूसरा क्या बताता है? जाति। नेक्स्ट है जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? पुष्प नहीं लगता है और बीज लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया? लीवेनहॉक। क्या आप कमेंट में बता सकते हो लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किया, लेकिन वो कब किया इसी बताइएगा। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लुसेंट पढ़े होगे तो एक लाइन में ही लिखा गया, पहले लाइन में ही लिखा गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही, है, ठीक ना? इनमें से कौन सा सही है? देखो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, नहीं, आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ जीवाणु क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? परपोषी भी होते हैं। फिर सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं? तो सभी विविधपोषी भी नहीं होते, क्योंकि क्या होते हैं? कुछ स्वपोषी भी होते हैं। तो अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये सही है, ठीक ना? अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं? विविधपोषी, और कुछ क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है जीवाणुओं को पौधा माना जाता है, इसको प्लांट किंगडम में रखा जाता है। क्यों क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। किसमें? जीवाणु। नेक्स्ट है जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु मेनली क्या होता है? छर रूप में होता है, छर रूप में। नेक्स्ट, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? कोक्की, या गोलाणु, नेक्स्ट है एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु क्या कहलाएगा? कोक्कस, सेम है, जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है? गोल होता है, ठीक है ना? कोक्की और कोकस, याद रखोगे, जो सबसे छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोक्की, और जो सबसे मीन्स गोल जीवाणु होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोकस। नेक्स्ट है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पैलियम,
एस्प्रिलियम, ठीक ना, याद रखना। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, मीन्स किसमें केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, जीवाणु में नहीं होता है। तो यहाँ से यह भी प्रश्न आपको याद रखना है किस किस में होता है, तो हरे शैवाल में केंद्रक होगा, लाइकेन में होता है और कवक में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक पाया जाता है जीवाणुओं में, सबसे अधिक क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में अभाव होता है, जीवाणुओं में किस चीज़ का अभाव होता है, वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता है। अच्छा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, एक दूसरा भी नाम है इसका, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए, जर्म थ्योरी के लिए, जर्म थ्योरी के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है, लुई पाश्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, तो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है, कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे हम क्या कह लेते, उसे हम क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। याद हो तो 10th क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था एक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन था, लैक्टोबेसिलस, याद होगा, सॉरी लैक्टोबेसिलस मैंने गलती बोल दिया, राइजोबियम, ठीक ना, राइजोबियम। लैक्टोबेसिलस का क्या था, दूध से दही बनने में हेल्प करता था, वो भी क्या था, एक जीवाणु ही था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मूल ग्रंथिकाओं डैश में पाई जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा इसमें पहले बता दूँ कि ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड में जो कन्वर्ट करता है तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता, याद रखिएगा ये। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं ऐसे बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कोई पेड़ है, फसल उगाते हैं हम लोग, तो याद होगा खेत में हम लोग क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, क्यों डालते हैं, जब एटमॉस्फेयर में 78% क्या नाइट्रोजन है तो ज़रूरत ही नहीं नाइट्रोजन डालने की, तो क्या होता है ना, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, उसे चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो या तो उसके लिए आप नाइट्रोजन यूरिया डालो, या नहीं तो अगर उसमें जीवाणु है तो वो हेल्पफुल है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होता है, NH2CO, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आसान है, दोनों से NH2 लगा दो, बीच में CO लगा दो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, मूल ग्रंथिकाओं रूट नोडल्स पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कुछ एल्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, कहाँ पे, कुछ एल्यूमिनस पादपों में और कुछ अन्य पौधों में भी क्या होता है, मूल ग्रंथिका पाया जाता है। नेक्स्ट, अधिक नमक वाले अचार में, सॉरी अचार है, अचार जो हम लोग खाते हैं, अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों, क्योंकि वे जीव द्रव क्या होता है, संकुचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि जब हम रेफ्रिजरेटर में, घर में रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें कोई सामान रखते हैं तो उसका जीवाणु क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि वो मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहेगा, तो वो क्या होता है, मीन्स सक्रिय नहीं रहता है, असक्रिय हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, ध्यान रखिए, असक्रिय हो जाता है, वो मरता नहीं है उसमें, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है, एसरर्सिया कोलाई मानव के आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तपेदिक, टीवी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन में जो पॉइजनस होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो होता है क्लोस्ट्रिडियम बिटुलियम द्वारा, किसके द्वारा, क्लोस्ट्रिडियम बेलुटियम द्वारा। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंटीबायोटिक सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ से होता है, जीवाणु से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि कौन सा मेडिसिन कहाँ से आता है वो हम आगे देखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, एक जीवाणु कोशिका एक घंटे में एक प्याला भरने के लिए एक दिन में एक बार विभाजित होता है, तो आधा प्याला भरने में वो कितना समय लगेगा, 59 मिनट लगाएगा, 60 पे टिक नहीं कर देना आपको, ठीक ना, 59 मिनट लगाएगा।
नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो देखो दलहन हम लोगों ने पढ़ा है, दलहन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, फली में टिक लगाना है, फली, ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं गेहूँ चावल और मक्के में धोता नहीं है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक ना, का कार्य है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ये मान ली क्या होता है, प्लांट किंगडम में हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन किंगडम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, टीवी, तपेदिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, हैजा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, मीन्स जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कुष्ठ। अच्छा देखो एक ट्रिक है इसका, हम बता देते हैं इसको ध्यान से, देखो क्या है ट्रिक, दादी को, यहाँ पे दादी पढ़ना है इसको लेकिन दादी लिखा है, ठीक ना, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में हो रहा है, तो वो तो अजीब टाइप का लेकिन याद रखोगे, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में हो रहा है। और देखो दादी से ड मैंने पढ़ा डायरिया, फिर डी से डिप्थेरिया, को से कोड, टी से टिटनस, प से प्लेग, नी से निमोनिया, ठीक, सी से फिर सिकिलस, का से काली खांसी, ये बहुत पूछा जाता है, का से काली खांसी, गो से गोनोरिया, मे से मोती झरा, मोतियाबीन और मोतीझरा अलग है, ठीक ना, फिर है हो से हृदय रोग, होड़ा से हृदय रोग, फिर हो से हैजा, तो डार्डी को टिप्पणी ने शिकागो में हो रहा है, नौ से कोई नहीं है, ठीक ना, तो याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, याद रखने में आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुष्ठ रोग होता। फिर सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रतिक्रिया है जिसका कार्य क्या है, क्या करता है वो, जीवाणु को निष्क्रिय करता है। देखो शीतलन वही है, रिफ्रिजरेटर में हम लोग डालते हैं या उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक ना, जीवाणु नाश नहीं होता, मैंने वहाँ भी जिक्र किया था, वो निष्क्रिय हो जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, मीन्स दही बनता है, तो लैक्टोबैसिलस मैंने कहा था, तो वो होता है बैक्टीरिया। और नेक्स्ट प्रश्न वही है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस। फिर दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण रखता है, तो कौन सा है, राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, अब आ गए हम विषाणु पे, वायरस पे, कौन किया, इवानोवस्की ने किया विषाणु का खोज। नेक्स्ट है विषाणु माने जाते हैं, तो देखो विषाणु ना तो सजीव माना जाता है ना ही निर्जीव माना जाता है, ये क्या होता है, ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, मीन्स दोनों होता है, सजीव और निर्जीव दोनों माना जाता है इसको। फिर निम्नलिखित में से इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं तो वो विषाणु में ही एंजाइम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, उसमें क्या था, कोशिका भित्ति नहीं होता है और इसमें क्या होता है, एंजाइम नहीं होता है। फिर टीएमबी शब्द संबंधित है किससे, विषाणुओं से संबंधित है। फिर हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया होता है ऐसा रोग जिसमें क्या होता है, पानी से डर होता है, क्या होता है, पानी से डर होता है, वो होता है विषाणु के कारण। मेनली आप देखते हो किसी को अगर कुत्ता काट लिया तो उसको कौन सा डिजीज हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, विषाणु से होता है वो। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से, फिर वही प्रश्न आ गया जो मैंने बताया, जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, एडवर्ड जेनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, तो चेचक के टीके की खोज की, वही प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, विषाणु क्या होता है, निर्जीव माना जाता है और सजीव भी माना जाता है, लेकिन निर्जीव उसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइज मीन्स बहुत दिनों तक वो शांत रह सकता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। फिर एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो एंजाइम जो होता है कहाँ अनुपस्थित होता है, अभी ऊपर भी प्रश्न था, ये होता है विषाणु में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है, T4 लिम्फोसाइट की कमी। और दूसरा कारण भी आपको एग्जाम में दे देता है, वो होता है RBC का निष्क्रिय हो जाना, शरीर में जो RBC होता है
वो क्या होता है, फंक्शन करना बंद कर जाता है। मीन्स प्रतिरक्षा जो होता है, प्रतिरक्षण शक्ति, वो हमारे शरीर में क्या होता है, नहीं के बराबर हो जाता है, जिसके कारण जो भी डिजीज होता है वो छूटता नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, एड्स का इलाज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे T4 लिम्फोसाइट्स या RBC काम नहीं करता है। दो ऑप्शन आपको इसमें से कोई आएगा तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा लेना है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा है, आतशक। एड्स वायरस क्या होता है, तो एड्स वायरस किस सूची का आता है, एक सूची आरएनए। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स वायरस HIV होता है, तो वायरस। नेक्स्ट है HIV संबंधित है, तो HIV किसे संबंधित है, एड्स से, किससे, एड्स से। फिर एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है, शारीरिक संपर्क से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा विषाणु में क्या होता है, तो प्रोटीन अधिक पूछा जाता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पूछा जाएगा, प्रोटीन अधिक पूछा जाता है। तो बस याद रखोगे, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। फिर है सारस, इसको सार्क से कन्फ्यूज नहीं करना है, एक सार्क है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मीन्स काठमांडू में, ठीक ना, तो इससे कन्फ्यूज नहीं करना है इसको, ये सारस है। सारस क्या है ये, तो ये एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, किससे होता है, विषाणु से होता है। फिर खसरा निम्नलिखित संक्रमण का कारण होता है, खसरा इनमें से किसका, मीन्स किसके कारण होता है, तो वो होता है विषाणु के कारण, किसके कारण, विषाणु के कारण। देखो यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से समझ लो कि बैक्टीरिया जो होता है, वायरस विषाणु, तो उससे जो होने वाले डिजीज है, तो उसका एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके मोएचे, मीन्स मुझे को मोएचे, यहाँ पे बोल रहा है मैंने, मोएचे छोड़ गई। तो यहाँ पे देखो, रेखा से रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हम्पिस, मे से मेनिजमाइट्स, ही से हीटाइटिस, टी से ट्रिकोमा, फिर करके को छोड़ दिया गया है, और फिर पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोट का छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलाखोस, और ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे डिजीज़ हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद एक बार पढ़ लोगे तो आपको मीन्स एग्जाम में ऑप्शन देके आप आसानी से टिक कर पाओगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो कौन सा होता है, चेचक। फिर जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो फूड एंड माउथ आप जानवरों में देखे होंगे वो होता है, तो वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। लोग उसमें क्या करते हैं, कवक को टिक लगाते हैं, लेकिन नहीं, विषाणु पे टिक लगाना है आपको। अब आलू में मोज़ेक रोग जो होता है आलू में, वो किसके कारण होता है, तो वो भी होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। आपको ये साइंस में भी आ सकता है प्रश्न, तो याद रखिएगा, फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन, शैवाल एल्गी होता है, एल्गी के अध्ययन को कहा जाता है स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो होती है सेलुलोज की बनी हुई, और सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है, कागज होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाइड्रा का स्कर्वी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलाता है, क्या होता है, यूक्लोरेला। फिर है सरगोसा, समुद्र का नाम पड़ा है, तो सरगोसा जो है किसके नाम पे पड़ा है, वो होता है शैवालों के कारण, शैवाल अधिक है सरगोसा में, इसी के कारण क्या है, उसका नाम सरगोसा पड़ा है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है, एक और इम्पोर्टेंट है, सुंदरबन का डेल्टा, नाम सुने होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होता है, सुंदरबन का डेल्टा, और वो बनता कैसे है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से डेल्टा बना है, तो ये तो जान गए, लेकिन उसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है। तो इसी तरह से सरगोसा क्या होता है, शैवालों के कारण उसका नाम क्या है, सरगोसा। नेक्स्ट है, गालगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने के कारण इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, उसमें आयोडीन होता है, समुद्र का पानी जानते हैं नमकीन होता है, उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, लेमिनेरिया। देखो शैवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको ये भी प्रश्न आएगा कि अंतरिक्ष यात्री अपने ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अपने साथ क्या ले जाते हैं,
तो उसमें भी क्या करते हैं, वो शैवाल ही ले जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था अब की बार, तो इसीलिए याद रखोगे ये भी। नेक्स्ट है केल्प प्राप्त होता है, तो केल्प कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है समुद्री शैवाल से। कहाँ से, समुद्री शैवाल से। अच्छा, केल्प से मुझे एक वर्ड याद आ गया, केल्प से एक वर्ड है क्लेप्टोमानिया, ठीक है ना, क्लेप्टोमानिया। जिसे चोरी करने का बहुत शौक हो उसे कहा जाता है क्लेप्टोमानिया, याद रखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफिक है। तो स्वपोषी क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाए, जो किसी पर आश्रित ही ना हो, उसे कहा जाता है स्वपोषी। वो क्या होता है, शैवाल, शैवाल। तो आज हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मीन्स और अप्रोक्स 60 प्रश्न है, तो वो आपकी हम नेक्स्ट सीरीज में इसको कवर कर देंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।